ये है चिंटू जो कि जेई मेंस तोड़ के आया है। ये है मिंटू जो कि जेई मेंस से तुड़ के आया है। चिंटू ने तो जेई मेंस में मचा दिया है लेकिन मिंटू सिर्फ बोर्ड्स में ही मचा रहा है। अब चिंटू के लिए तो सब दबा के कॉलेजेस बताते हैं लेकिन आज हम मिंटू की समस्या को निपटाते हैं। आज हम जानेंगे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जो कि आपको 12th के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। इन कॉलेजेस को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जैसे एलीट, गुड, डिसेंट, वेरी हाई फी कॉलेजेस एंड 5th वो कैटेगरी जिसे लास्ट ऑप्शन रखा जा सकता है। सबसे पहले एलीट को कवर कर लेते हैं। एलीट में सबसे पहला कॉलेज आता है IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद में एडमिशन के लिए टोटल 7 वेज दिखाई देते हैं जिसमें से एक है बोर्ड्स। इस मोड के थ्रू आप IIIT हैदराबाद के ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑप्शन उन एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो 12th में हाई स्कोर ऑब्टेन किए हैं। आप सेंट्रल बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो सकते हो, कोई सीन नहीं है। इस मोड के थ्रू जितने भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका एक फाइनल इंटरव्यू राउंड होगा एंड इसी इंटरव्यू राउंड के बेसिस पे आपको IIIT हैदराबाद में एंट्री मिलेगी। इस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने के बाद आपको टोटल 2 डिग्री मिलती है, एक बीटेक डिग्री एंड सेकंड मास्टर्स डिग्री। थोड़ी एक्स्ट्रा बात करें, यहाँ पे आपको 2 टाइप के कोर्सेस अवेलेबल है एंड दोनों में ही 4 ईयर बीटेक सेम रहेगा जो कि है कंप्यूटर साइंस। लेकिन मास्टर्स डिग्री में आपके पास इन टोटल 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। टोटल सीट्स इस मोड के थ्रू 10+5 15 दिखाई देती है जो कि काफी लिमिटेड है, तो यहाँ से आप कॉम्पिटिशन का आइडिया लगा सकते हो। एलिजिबिलिटी रही आपकी स्क्रीन पे 85-90% है, तो अप्लाई तो कर ही सकते हो बट जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतने ज्यादा चांसेस है एडमिशन के। एप्लीकेशन फी की बात करें 2000 के आसपास है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर मैं एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो जून के आसपास आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, फिलहाल ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। दूसरा कॉलेज जो एलीट कैटेगरी में आता है वो है बिट्स पिलानी, जल्दी से कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिट्स पिलानी भी डायरेक्ट एडमिशन दे देता है इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम में। इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री में टोटल 3 टाइप की डिग्रीज दिखाई देती है, बीई, एमएससी एंड बी फार्मा। बीई में टोटल 10 कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं, एमएससी में टोटल 6 एंड बी फार्मा में एक ही है। यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि भैया ये बीई प्रोवाइड कराते हैं बीटेक नहीं, तो हाँ काफी कॉलेज इंडिया में बीटेक की जगह बीई डिग्री प्रोवाइड कराते हैं एंड दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ना के बराबर होता है, तो टेंशन कैसी कोई बात नहीं है। बिट्स में इस स्कीम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपको बोर्ड का टॉपर होना पड़ेगा। अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं तो आप 3 डिग्री में से किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हैं तो सिर्फ आपके पास बीफार्मा ऑप्शन रह जाता है। अप्लाई करने के सिंपल स्टेप्स रहे स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अप्लाई करते वक्त काम आएगा। अब यहाँ पे एलीट कैटेगरी के दोनों कॉलेजेस ही कोडिंग कल्चर के मामले में बेस्ट है, चाहे हैकाथॉन्स विन करना हो या कोई और कोडिंग कॉन्टेस्ट, दे रियली परफॉर्म वेल। बट अगेन इनमें एडमिशन मिलना इज नॉट वेरी इजी। कोडिंग सीखनी है तो बढ़िया फायदे वाली चीज बताता हूँ। पहली बार सुन रहा हूँ कोई 90% पैसा रिफंड कर रहा है, भैया मजाक मत करो, सीधे सीधे बताओ। ठीक है, जीएफजी ने लाया है 390 चैलेंज, 3 स्टेप्स में समझाता हूँ। पहला, जीएफजी के किसी भी कोर्स में एनरोल करो। सेकंड, उस कोर्स को 90 डेज में 90% तक कंप्लीट कर लो। स्टेप 3, ये कंप्लीट करते ही आप 90% तक अमाउंट रिफंड ले सकते हो। एकदम क्रेजी चीज लगी मुझे, मैंने तो आज तक किसी और प्लेटफॉर्म को ये करते नहीं देखा। कोर्सेज में भी कई वेरायटी है जैसे डीएस एल्गोरिदम हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया एंड कई टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, जिसमें भी इंटरेस्ट आता है 90 डेज में 90% तक कंप्लीट करके रिफंड ले सकते हो। इसी के साथ ये 390 चैलेंज आपको मोटिवेट करेगा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कई बार हम कोर्सेज ले लेते हैं लेकिन उसे कभी कंप्लीट नहीं करते। बट ये चैलेंज डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा, इससे आप कुछ नया भी सीखेंगे एंड एट द एंड आपका सिर्फ 10% अमाउंट ही लगेगा। ये चैलेंज तो वैसे जनवरी मंथ के लिए था लेकिन अभी इसे फेब लास्ट तक एक्सटेंड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी कोर्स में इंटरेस्ट आता है जाके उसे लो, 90 डेज में कंप्लीट करो एंड पैसा वापस ले लो। अब यहाँ पे काफी लोग मुझसे नाराज हो जाए कि भैया सिर्फ बोर्ड स्टॉपर के लिए बता रहे हो, बाकियों का क्या? तो जल्दी से बोर्ड स्टॉपर को रखते हैं साइड में एंड बाकियों के लिए कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट गुड कैटेगरी की लिस्ट में आता है जेपी। अब जेपी में एडमिशन लेने के काफी सारे वेज हैं जिसमें से एक है बोर्ड्स। अब इसमें आपको बीटेक के टोटल 5 कोर्सेज एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड के 2 कोर्सेज दिखाई देते हैं। एक चीज यहाँ पे चौंकाने वाली है, इसकी काउंसलिंग के टोटल 11 राउंड्स होते हैं एंड सारे राउंड्स की कट ऑफ काफी अलग अलग होती है एंड कई बार यही डिफरेंस जमीन आसमान का देखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट राउंड में ईसी की कट ऑफ थी 92.6% एंड लास्ट राउंड में ईसी की कट ऑफ गई थी 63.3%। डिफरेंस देख रहे हो तुम? वही सीएससी की हाई डिमांड के कारण उतना ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, बट ईसी के लिए लास्ट राउंड तक रुकना डेफिनेटली वर्थ इट है। भैया कंक्लूजन क्या है? बोर्ड्स में 60-70% के अबव आते हैं, जेपी में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर ईसी भी मिलती है तो भी बढ़िया ऑप्शन है। पहले कुछ राउंड्स में हो सकता है सीट ना मिले लेकिन लास्ट राउंड तक अगर आप वेट करते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। जेपी की टोटल फीस आती है 21-22 लाख, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो इस पॉइंट को भी उससे पहले कंसिडर करके चलना। जेपी की टोटल 4 कैंपसेस हैं एंड उनको रैंक किया जाए तो पहले आता है जेपी नोएडा सेक्टर 62,
फिर आता है जेपी नोएडा सेक्टर 128, फिर आता है जेयूईटी गुना, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, फिर आता है जेयूआईटी सोलन, ये आपका वक्नघाट में देखने को मिलता है। इस ऑर्डर को ध्यान में रखना, प्रेफरेंस लिस्ट में काम आएगा। इसके सोलन कैंपस की अगर हम बात करें तो दिखने में तो काफी नेक्स्ट लेवल लगता है, बाकी प्लेसमेंट वाइज में कहूंगा ओके है। सीएससी मिलती है तो शायद सोच सकते हो इसके बारे में। प्लेसमेंट्स की बात करें तो मीडियम पैकेज अराउंड 6 लाख के आसपास है। अगर जा रहे हो इस कॉलेज में सोलन वाले कैंपस में तो भाई पढ़ाई कर लेना, नहीं तो 6 लाख से कम प्लेसमेंट्स भी काफी ज्यादा हैं इसमें। इनके जो 2 हाईएस्ट पैकेज इन्होंने बताए हैं वो ऑफ कैंपस हैं, ये काफी अच्छी बात लगी, ऑनेस्टी के साथ साइड में ऑफ कैंपस लिखा है, नहीं तो काफी ज्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जो भाई हवाबाजी करते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, इन्होंने सच्चाई बताती है तो 1 नंबर तो मिलता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है इसी कैटेगरी में, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब थापर में भी एडमिशन लेने के 2 मोड हैं, पहला जेई मेंस के थ्रू भी आप ले सकते हो, सेकंड बोर्ड्स के थ्रू भी आप ले सकते हो। बोर्ड्स के थ्रू अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो 70% एग्रीगेट होने चाहिए फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री इनके सब्जेक्ट नहीं है तो बायोलॉजी हो गया या फिर कोई और वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें भी काम चल जाएगा। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% आपको चाहिए होंगे। ये तो थी खाली एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए, लेकिन कट ऑफ कुछ और होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले 2 और एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। पहली एलिजिबिलिटी है अगर आप क्लास 12 के थ्रू अप्लाई करते हैं तो जेई मेंस 2024 में आप अपियर होने चाहिए, भले ही आपका कंसीडर जो है वो क्लास 12 को किया जाएगा बट अपियर आप जेई मेंस में होने चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जो आपने दिए थे वो 2022 से पहले नहीं होना चाहिए, 2022 के बाद दिया है तब आप एलिजिबल हैं। जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं। राउंड 4 की बात करें जो कि लास्ट राउंड है, उसमें अगर हम आउटसाइड पंजाब की कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ देखें तो 97% के आसपास गई थी। इसका जो सेकंड कैंपस है देराबस्सी कैंपस उसकी बात करें तो 96% के आसपास थी। वहीं सिविल की कट ऑफ गई थी 90% के आसपास। ये मैं आउटसाइड पंजाब कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पंजाब होम स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 96% गई थी एंड इसी के साथ साथ ईसी जैसी ब्रांच अगर आप देखते हैं तो 82-83% के आसपास मिल जाती है। ये कट ऑफ देख के डेफिनेटली कह सकते हैं थापर की सीट इनटेक के साथ साथ पिछले कुछ सालों में कट ऑफ भी काफी बढ़ गई है। गुड कॉलेज की कैटेगरी में ही लास्ट जो कॉलेज आता है वो है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। इसमें एडमिशन आप टोटल 2 स्ट्रीम के बेसिस पे ले सकते हैं। स्ट्रीम 1 जिसमें जेई मेंस एंड क्लास 12 दोनों का 50% वेटेज लिया जाता है, स्ट्रीम 2 जो कि है क्लास 12। शास्त्रा यूनिवर्सिटी में अराउंड 50% सीट्स क्लास 12 के बेसिस पे भी फिल की जाती है एंड अगर आप इस स्ट्रीम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका जेई मेंस देना मैंडेटरी नहीं है। इसकी टोटल 4 साल की फीस होस्टल एंड मेस मिला के जाती है अराउंड 8-9 लाख जो कि काफी रीजनेबल है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में एंड वही इसका मीडियम पैकेज है अराउंड 7.5 लाख, तो आरओआई के हिसाब से तो ठीक ठाक है। कट ऑफ की बात करें तो कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, अगर मैं स्टूडेंट रिव्यू वेबसाइट की बात करूं तो 95% के आसपास कंप्यूटर साइंस के लिए सेफ बताया गया है। अप्रैल 17 से बीटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट है एंड लास्ट डेट है 15 जून। लास्ट डेट से पहले अगर तुम्हें रिमाइंडर चाहिए सब्सक्राइब करके रखो, मैं शॉर्ट्स बना के बता दूंगा। तुम मेरी सच्ची ऑडियंस हो यार, तुम्हारे लिए मैं एक शॉर्ट नहीं बना सकता, बिल्कुल बनाऊंगा, खाओ मां कसम। एडिटर भैया इसमें नहीं, सीरियस वीडियो है। अब देखो जो नेक्स्ट कॉलेज है उसके पीछे हर साल लाखों लोग लगे होते हैं, कोई 15 लाख लेके एडमिशन लेता है, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, यहाँ तक कि लोग 30-30 लाख रुपए देके भी इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज का नाम गैस करो, वीआईटी वेल्लोर। लेकिन ये पूरी बसर होती है सिर्फ 4 ईयर कोर्सेज के लिए, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक 5 ईयर कोर्स लेते हो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत ही नहीं, आपका क्लास 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। वीआईटी के टोटल 4 कैंपसेस हैं, जो जो प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेन बातचीत यहाँ पे आती है फीस की, भैया 5 ईयर कोर्स है 5 साल पढ़ना पड़ेगा, 4 ईयर कोर्स है तो फीस ज्यादा ही होगी, लेकिन एक्चुअली में इसका उल्टा है। स्क्रीन पे मैंने 5 ईयर प्रोग्राम एंड 4 ईयर प्रोग्राम के ट्यूशन फीस को अप टू कैटेगरी 3 तक कंपेयर किया है। 5 ईयर प्रोग्राम की फीस एक्चुअली 4 ईयर प्रोग्राम से कम है, यहाँ तक कि 4 ईयर प्रोग्राम की फीस ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स ज्यादा दिखाई देती है 5 ईयर प्रोग्राम के कंपैरिजन में। टोटल एक्सपेंस से अगर हम समझें तो वीआईटी में अगर आप कैटेगरी 1 में एडमिशन लेते हो 4 ईयर कोर्स के लिए तो वहाँ पे अप्रोक्स आपका 15 लाख के आसपास खर्चा आएगा, वही 5 ईयर कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपका जो टोटल खर्चा है वो 13 लाख के आसपास आएगा। तो ये 5 ईयर कोर्स थोड़ा कम में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल ज्यादा देना पड़ेगा तो वो भी एक चीज है। प्लेसमेंट कैसे हैं, क्या कोई फर्क है भैया? देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो सब मिक्स बताया है, इस पर्टिकुलर कोर्स का अलग से नहीं बताया है, लेकिन एनआरएफ रिपोर्ट से कुछ डेटा मिला है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एनआरएफ डेटा के हिसाब से 4 ईयर प्रोग्राम का मीडियन निकल के आता है 8.1 लाख, वही 5 ईयर कोर्स का आता है 7 लाख, जो कि 4 ईयर प्रोग्राम से अराउंड 1.1 लाख कम है। बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं
वो नंबर काफी डिसेंट है। ऑलमोस्ट 89% इनका प्लेसमेंट परसेंटेज दिखाई देता है, जो कि एकदम बेस्ट नहीं है बट डिसेंट बोल सकते हैं। इसी कट ऑफ बड़ी मुश्किल से मिली है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। एंड इस कट ऑफ का क्रेडिट मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू साई चरण मलयाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो इनकेस अगर आपको कट ऑफ देखनी हो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट कैटेगरी में जो पहला कॉलेज आता है वो है सत्यभामा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपको चेन्नई में देखने को मिल जाती है। एक बार इसकी गेट की फोटो देखो, ये एंट्रेंस गेट कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, किस कॉलेज का है मुझे कमेंट करके बता दो, कर दिया तो मान जाऊंगा। तो ये कॉलेज भी ना आपको क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन दे देता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट पे एकदम मस्त प्लेसमेंट का बैनर दिया हुआ था, ठीक है, बढ़िया। ऊपर से नीचे तक देखा मैंने कहा यार मस्त प्लेसमेंट नंबर दिए, कहीं एवरेज पैकेज तो दिखाओ। तो एवरेज पैकेज तो मुझे इनके बैनर में मिला नहीं, लेकिन मैंने जब और सर्च किया तो मुझे 5 साल का एवरेज पैकेज मिलता है, मतलब पिछले 5 सालों का एवरेज पैकेज बताया हुआ था वहां पे। मैं देखता हूँ तो 5.4 लाख के आसपास है। अच्छा अब समझा, हाईएस्ट पैकेज की साइड में एवरेज पैकेज लिख देंगे जो कि 5.4 लाख है, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। स्ट्रेटजी गाइस, फीस की बात करें तो काफी ज्यादा फीस लगी, मतलब ऑफिशियल नंबर कितना है एग्जैक्ट वो मुझे इनकी वेबसाइट पे नहीं मिला, बट ऑनलाइन जो दिया हुआ है वो 15 से 20 लाख खर्चा आ जाता है। 15 से 20 लाख 5.4 लाख एवरेज, मीडियन भी नहीं एवरेज, जो कि काफी कम हुआ। एंड ये मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी काफी एडमिशंस लेते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, जिसकी फीस अराउंड 30 लाख चली जाती है। तो इतना ज्यादा पैसा देके 5.4 लाख इट्स नॉट वर्थ इट, तो ये आता है वेरी हाई फीस कैटेगरी में। अब सेम कैटेगरी में ही जो नेक्स्ट 4 कॉलेजेस आते हैं वो भी खतरनाक है, ठीक है। मणिपाल, जयपुर एंड बेनेट को तो हम जानते हैं कि भाई इनकी फीस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दो और यूनिवर्सिटी निकल के आई हैं, एक है अशोका एंड एक है प्लाक्षा। भाई इनकी फीस देख के ना सच में खामोश रहने का मन कर रहा है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स रहे आपकी स्क्रीन पे। ये कॉलेजेस भी हैं जो क्लास 12 के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। आरओई बेस्ट नहीं रहेगा इनका, मुझे सारे ऑप्शंस कवर करने थे इसलिए ये भी बता दिए। नेक्स्ट दो काफी डिफरेंट कॉलेज ऑप्शंस हैं, एक है निर्मा यूनिवर्सिटी एंड एक है अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन TNEA काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। इसमें ना ऑल इंडिया सीट्स काफी कम होती है, तो अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो तो काफी कम चांसेस होते हैं यहाँ पे एडमिशन मिलने के। नेक्स्ट है निर्मा यूनिवर्सिटी, इसमें गुजरात स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना आसान हो जाता है। 50% आपका जो वेटेज रहता है वो क्लास 12 का रहता है, 50% जो रहता है वो जेई मेंस का रहता है। अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो तो यहाँ पे सिर्फ आपका जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है, क्लास 12 के थ्रू अदर स्टेट स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इन कॉलेजेस को चाहो तो लास्ट ऑप्शन रख सकते हो। पहला है DIT देहरादून, दूसरा है UPS देहरादून, तीसरा कॉलेज आता है चितकारा यूनिवर्सिटी। तीनों कॉलेजेस की क्लास 12 एलिजिबिलिटी, मीडियन पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज एंड फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनको ही रिकमेंड करूंगा जो अफोर्ड कर सकते हैं, एंड कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। सबको तो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। DIT देहरादून का प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है लेकिन मीडियम पैकेज बहुत कम है। वही UPS देहरादून में दोनों कम है एंड फीस तो भाई पूछो मत, 25 लाख। चितकारा मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है प्लेसमेंट परसेंटेज एंड मीडियम पैकेज के हिसाब से, फीस थोड़ी हायर साइड में, तो वो एक बार देख लेना। इसमें ना एक और कैटेगरी आती है जिसमें वॉक इन एडमिशन हो जाते हैं, यानी कॉलेज चले जाओ सीधे वहीं के वहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, वहीं के वहीं एडमिशन हो जाएगा, जो ब्रांच चाहिए वो भी मिल जाएगी। इनको मैं कहूंगा लास्ट से भी लास्ट ऑप्शन रखो। अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं वापस से कॉलेज में एडमिशन लेता एंड वापस से ड्रॉप आउट कर लेता। ये थे सारे ऑप्शंस, सच बता रहा हूँ जान लग गई है सारे कॉलेजेस को ढूंढने में। YouTube पे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, इतने ऑप्शंस कोई नहीं बताएगा। ऋतिक भैया सिंपति ले रहे हो? नहीं भाई देखो थोड़ा मोटिवेशन ना मेरा कम हो गया है, ठीक है, वीडियो बनाने को लेके। तो मैं चाहता हूँ यार बढ़िया बढ़िया कॉमेंट्स करो, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, कॉमेंट्स करो तो यार थोड़े अच्छे से, थोड़ा सा ना ऐसे मन नहीं कर रहा है थोड़ा, है ना, थोड़ा अच्छे कॉमेंट करो तो थोड़ा मोटिवेशन आए, ठीक है, और ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़े। बाकी अंदर की बात बताऊँ, लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी क्लास 12 के ऊपर, ठीक है, जब रिसर्च कर रहे थे तो सारे देखते ना क्या है, हमने देखा जितनी वीडियोस हैं उनमें से आधे से ज़्यादा वीडियोस हमारी पुरानी वाली वीडियो की रेप्लिका है।